हेलो दोस्तों, मैं वीडियो बनाना चाह रहा हूँ यूट्यूब पे। मैं बहुत ज़्यादा फेमस होना चाह रहा हूँ और आप सबकी दुआओं से मैं फेमस भी हो सकता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। मैं सभी की आवाज़ में कमेंट्री कर सकता हूँ, लेकिन इस समय मैं आपको ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाऊँगा, इसलिए मैं दो कमेंटेटर की आवाज़ में आवाज़ निकालूँगा मैं, और मैं सुशील दोषी जी और मुनीष ज्वाली की आवाज़ में निकालूँगा। बिल्कुल, जिस तरीके की परिस्थिति यहाँ पे भारत की है, और इस समय अगर एक दो विकेट और ले जाते हैं भारतीय स्पिनर, तो शायद ये मुकाबला भारत के पक्ष में चला जाए। मैं मुनीष ज्वाली एक बार फिर से सभी दर्शकों को नमस्कार करना चाह रहा हूँ। मेरे साथ हैं इस समय कमेंट्री बॉक्स में सुशील दोषी, स्वागत है आपका। शुक्रिया मुनीश, बहुत कड़ा मुकाबला चल रहा है और परिस्थिति देखिए भारत की, और किस तरीके के दो विकेट लेकर युजवेंद्र सिंह चहल ने झकझोर कर रख दिया इंग्लैंड को, इंग्लैंड के बल्लेबाजों को। और इस बीच गेंद स्वीप करने की कोशिश कर रहे थे, बैक कोर्ट पर जाकर पुश कर दिया चार रन के लिए। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक और अद्भुत स्ट्रोक थी, और गेंद बल्ले का अच्छा संपर्क यहाँ पर, और बिल्कुल एकदम क्रीज की लाइन में चले गए थे डेविड मलान। और इस तरीके की स्ट्रोक मुनीश बहुत पसंदीदा स्ट्रोक मानी जाती है डेविड मलान की। बिल्कुल सही, ऑफ स्टंप के ज़्यादा बाहर चहल, इस बार दिशा इन गेंद थी, भटक गए चहल। लाइन लेंथ अच्छी थी, लेकिन गेंद को जहां टेप्पर लांच आ रहे थे वो नहीं हुआ। और जिस प्रकार का ये शॉट था, शायद काबिलियत तारीफ था ये शॉट, और बहुत ही अच्छा स्ट्रोक यहाँ पर लगाते हुए डेविड मलान। इस बीच गेंद हल्के हाथ से फिर से उसी दिशा में, और फिर से वही नतीजा, चार रन। तो लगातार वो चौके लगा रहे डेविड मलान, और पूरी तरीके से भारत को एक बार फिर से बैकफुट पर धकेलते हुए। बिल्कुल लगातार दो स्ट्रोकेस, विराट कोहली सोच रहे हैं क्या करें हूँ। और इस तरीके की स्ट्रोक से आप फील्डर भी नहीं सजा सकते जहाँ ये शॉट खेल रहे हैं। लगातार गली के बीच में ऐसे शॉट है, तो गली पर अगर आप फील्डर लेते हैं तब भी ये शॉट इतना फाइन जा रहा है कि चौका मिल रहा है, और चहल उसी लाइन लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे हैं, और बहुत मुश्किल हो रही है भारत के लिए, क्योंकि ज़्यादा रन भारत ने बनाए नहीं स्कोर बोर्ड पर, 278 बनाए, लेकिन जिस प्रकार से गेंदबाजी कर रहे थे विकेट ले गए चार विकेट, लेकिन अब यहाँ पर दबाव बढ़ रहा है भारत के ऊपर, क्योंकि डेविड मलान खतरनाक दिख रहे हैं। अगर विकेट नहीं मिला तो भारत इस मुकाबले को नहीं, इस श्रृंखला को भी आ जाएगा, और यही होता है जब दो विकेट ले लें उसके बाद दो चौके खा जाए तो दबाव वापस आ जाता है। बल्लेबाज खुश होता है कि मैंने दो चौका लगा के एक बार फिर से बल्लेबाजी को एक बार फिर से विराम दे दिया है गेंदबाजों को, तो जो विकेट ले रहे थे उसका दबाव एक बार फिर से आ रहा है चहल के ऊपर। इस बीच उठा के मारने की कोशिश डेविड मलान की, चूकते हुए और ओवर समाप्त चहल का। बढ़िया ओवर भारत के नज़रिए से, लेकिन इंग्लैंड के लिए दो चौके ने एक बार फिर से वापस ला दिया इस गेम को। तो जिस पर की जिस परिस्थितियों में बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो इससे आपको लगता है कि क्या ये मुकाबला भारत के रवैये से, क्या ये मुकाबला भारत के रवैये से ये मुकाबला जीतता है? सुशील क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, परिस्थिति तो बहुत अनुकूल होती जा रही है, और भारत अगर यहाँ से मलान का विकेट नहीं लेता है तो शायद भारत इस मुकाबले से ही बाहर हो जाए, क्योंकि 300 गेंदों का शुरू में होता है ये खेल, वनडे क्रिकेट मैच, और 300 गेंदों पर अगर 279 रन बनाने हों और विकेट हाथ में हों तो बहुत ज़्यादा कोई संघर्ष नहीं देखने को मिलेगा दोनों टीमों में। लेकिन भारत को यहाँ पर विकेट चाहिए, लेकिन बेन स्टोक्स ने उठा के मार दिया गेंद दूसरा कवर लॉन्ग ऑन के ऊपर से, 6 रन। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं, और बेन स्टोक्स इस बार गेंद को ऊपर उठाकर खेल दिया था, और गेंद लॉन्ग ऑन के ऊपर से गई, और अद्भुत स्ट्रोक यहाँ पे लगाते हुए डेविड, माफ कीजिएगा, बेन स्टोक। और इस तरीके का कनेक्शन बार बार जहन में रहता है कि आप किस प्रकार के बल्लेबाजी कर रहे हो, और वही करते हुए समय बेन स्टोक और डेविड मलान। और नमस्कार।